केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की 20 से भी कम सीटें रहेंगी, ये भविष्यवाणी की है उन्होंने। वो तो बुंगेरी लाल हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज तो बिंदु जी ने तो उन्हें नटवर लाल तक बता दिया। आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी के लिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं? पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूरे दमखम के साथ आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। आपको नहीं लगता कि 15 साल आपकी सरकार रही एमसीडी में, उसके बावजूद भलसवा लैंडफिल जो आपके विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक है उसको आप खत्म कर सकते थे? पहली बात तो ये है कि रोहिणी के सारे कूड़ेदान बंद हो गए। आप पूरा घूम लीजिए, आप घूम भी रहे जा भी रहे, देखिए कहीं कोई कूड़ेदान नहीं है। दूसरा, SLF जो है वो एक व्यवस्था है। आप बताइए ना, कूड़ा कहाँ जाएगा? जब आप कूड़े को इकट्ठा करेंगे तो कूड़े को कहाँ, हर दुनिया के हर शहर में SLF होती है। हमने SLF का सिस्टम बदला है कि कूड़े को SLF पे डंप नहीं करना है। ये तो 60 साल पुरानी है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर निगम में उनकी सरकार आ गई तो सबसे पहले वो जो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ है उन्हें साफ कर देंगे। तो पहले ही हो रहे हैं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है निगम के खिलाफ, और भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे हैं। जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरह से रखरखाव होना चाहिए MCD के पार्कों का, MCD स्कूल्स का, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ कहाँ पे विफल रही आपकी सरकार? मैं ये कहूँगा कि बहुत रास्ता पार किया है और अभी और रास्ता पूरा करना है। और अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं आती तो मैं समझता हूँ ये रास्ता कब का पूरा हो जाएगा। पिछली बार भी आपने तमाम कैंडिडेट्स बदल दिए थे और इस बार जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे 181, उसमें भी आपने 20-25 लोगों को ही टिकट दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, जहाँ जो कैंडिडेट उपयुक्त था वहाँ उसको टिकट मिला है, लेकिन हाँ सीट जो है वो बदली गई है। तो विनेबिलिटी जो है वो पहला सवाल था, और विनेबिलिटी को ध्यान में रख के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।